DSLR कैमरा का जो एक फाइल होता है वो काफ़ी बड़ा साइज़ का फाइल होता है और बिना लैपटॉप के ये कॉपी करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सारे फाइल को आप स्मार्टफोन में कैसे कॉपी कर सकते हैं DSLR से। आपको यहाँ पे एक डिजिटेक का कार्ड रीडर लेना होगा, आपको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। इसमें आप छोटे वाले मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और कैमरा में जो बड़े वाला मेमोरी आता है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक OTG लेना पड़ेगा। आपके पास जैसे कि टाइप सी है तो टाइप सी से आप कर सकते हैं, या तो आप माइक्रो वाला भी OTG ले सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से इसे सेट कर देंगे और फाइनली जो है यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड को इसमें इंसर्ट कर देना होगा। उसके बाद स्मार्टफोन के जो OTG कनेक्शन है उसको आपको ऑन कर देना है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन में ये कनेक्शन को आप ऑन नहीं करेंगे तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो OTG ऑन हो जाने के बाद में आप इसको प्लग कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जो है दोनों में ब्लिंक होना चालू हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये कनेक्टेड हो गया है। फाइल मैनेजर में यहाँ पे आप देख सकते हैं और मेमोरी कार्ड जो है डिटेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो वीडियो है, हमने जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया था DSLR कैमरा से, उसको आपको सर्च करना है और यहाँ पे सारा वीडियो है आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो हमने 1 मिनट 2 सेकंड का जो 4K में अभी रिकॉर्ड किया आपके सामने में, इस पे जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यानी टैप करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का मतलब दूसरा फाइल कॉपी होगा, मूव का मतलब यहाँ से उठ के चला जाएगा। तो आप हमेशा कॉपी कीजिएगा ताकि आपका एक बैकअप रहेगा कैमरा में। तो यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर बना लेना है या आपके पास कोई दूसरा फोल्डर है तो उसमें भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी होने स्टार्ट हो चुका है और जो डिजिटेक का कार्ड रीडर है वो ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करने का मतलब ये है कि वो अभी यूज़ में है, मतलब उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्ड रीडर में आप मेमोरी कार्ड देख रहे हैं सोनी का, उस मेमोरी कार्ड से जो है स्मार्टफोन में कॉपी हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि दूसरा बड़े फाइल को, दो फाइल को हमने कॉपी कर लिया है और इसे भी जो है अभी हम कॉपी करेंगे और देखते हैं कि कितना समय लेता है। देखिए ये समय जो टोटल है डिपेंड करता है कि आपके पास फ़ोन कैसा है। अगर फ़ोन आपके पास अच्छा होगा, अगर UFS 3.2 होगा तो ये काफ़ी फास्ट जाएगा और UFS 2.0 होगा तो ये थोड़ा सा स्लो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फाइल जो है हम यहाँ पे लगभग कॉपी कर रहे हैं, जो कि 3 GB के आसपास या प्लस हो सकता है और ये फाइल कॉपी हो रहा है। फ़ोटो को कॉपी करना वायरलेसली काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर वीडियो की कॉपी करने की बात आती है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है वायरलेस के थ्रू से। तो आप या तो लैपटॉप से करेंगे या तो आप स्मार्टफोन से इस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा जो है 3.2 है तो इसका स्पीड आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। बाकी आप जो सोनी का मेमोरी कार्ड देख रहे हैं वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी का मेमोरी कार्ड है, तो कॉपी यहाँ पर ठीक ठाक मेरा हो जा रहा है। तो कुछ इस तरह से आप DSLR के वीडियो को अपने स्मार्टफोन में कॉपी कर सकते हैं। आपको बस एक कार्ड रीडर परचेज करना होगा और एक OTG परचेज करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। फाइल कॉपी हो जाने के बाद आपको जो है मेमोरी कार्ड को या जैसे कि पेन ड्राइव को डायरेक्ट नहीं निकालना है, आपको यहाँ पे इजेक्ट करना पड़ेगा। इजेक्ट करने से थोड़ा सा क्या है कि सेफ हो जाएगा, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि फाइल करप्टेड होने का चांसेस होता है। तो हमेशा आप पेन ड्राइव को इजेक्ट करके ही निकालें। ये जो फाइल है 4K का है, 1 मिनट 2 सेकंड का है, लगभग 763 MB के आसपास निकल के आया है और ये 4K वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्ले हो रहा है और यहाँ पे डिटेलिंग भी आप देख सकते हैं कि 4K का वीडियो का क्वालिटी कैसा है।